के साथ रहा बहुत अच्छा था। उसके बाद से कुछ 10-15 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस में, अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में, आईटी लॉस को पढ़ाने का भी पास होता है और पढ़ने का भी ज़्यादा एक्चुअली बाहर से भी, और अभी भी स्टूडेंट ऑफ आईटी लॉस ज़्यादा हूँ। तो आपसे शेयर करूँगा ये कि क्योंकि कंपैरेटिव एक नया सब्जेक्ट है, बहुत सारे अभी जगहों पर पढ़ाया भी नहीं जाता, पढ़ा भी नहीं जाता, और शायद अभी जो पुरानी हमारे वो कला है सर, उनको उसके थ्रू का आइडिया भी नहीं है। तो जहाँ पे ये इंटरेक्टिव से हमें सीखनी है चीज़ें और इंटरेक्टिव से हमें काम करना है, तो आप जहाँ पे कोई क्वेश्चन करना है, ऑल्दो कि एक फॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा इनके ऊपर, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहें, कहीं पे कोई एलेबोरेशन चाहें, कभी कोई कोई क्वेश्चन आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा अच्छा, हम अभी क्विकली जो आपका एक घंटे का सेशन है, उसमें देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे किसको है, इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, और जो मेन काइंड्स हैं उनका आपको एक इंट्रोडक्शन सा देंगे ताकि आपको पता चले कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता क्या है। अगला है, आप सभी लोग जो हैं वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, इन सारों के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है जिसका हम एंड से आंसर भी देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि आप और मैं कभी ना कभी मार्केट जाते हैं कोई ना कोई शॉपिंग करने के लिए, तो जनरली हमारी कंसिडरेशन क्या होती है शॉपिंग के लिए, ज़रा प्राइस के अलावा। प्राइस तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जितने पैसे जेब में उससे ज़्यादा कुछ खर्च कर सकता मैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपने एक प्रोडक्ट खरीदनी है तो उस प्रोडक्ट के लिए आपकी कंसिडरेशन क्या होगी, ब्रांड होगा या उसका डिजाइन होगा या उसके फंक्शन होंगे कि प्रोडक्ट फंक्शन कैसे करती है, तो ये जरा इसको बाद में देखेंगे कि ये सब आपकी शॉपिंग को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में कैसे अफेक्ट कर रही होती है, एंड के ऊपर इसका हम जवाब भी देखेंगे। आपके भी जेब में जो बात होगी आपसे भी पूछेंगे कि क्या इसका सोच रहा है। अच्छा, आपको सबको पहले, आप सब लॉयर्स हैं तो आपको आइडिया है कि प्रॉपर्टी किसको कैसे है। प्रॉपर्टी जनरली उस चीज को कहा जाता है जिसके ऊपर ह्यूमन ओनरशिप को क्लेम किया जा सकता है, जिसको आप कह सकते हैं कि दिस इज माई प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टी है विच यू क्रिएट बाई अप्लाइंग योर माइंड। एक तो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी जो आप इस जगह पे बनाई हुई है या कुछ अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसको आप खुद क्रिएट करते हैं। आपसे मुराद कोई भी क्रिएटर, कोई भी ऑथर, कोई भी डिजाइनर, कोई भी इन्वेंटर, वो खुद क्रिएट करता है और उसमें असल में उसकी जो इंटेलेक्चुअल इनपुट है वो इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए यानी कि जब आप अपने माइंड को यूज करके कुछ क्रिएट करते हैं तो दैट क्रिएशन माइट बी कॉल्ड योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये मैंने चीज क्रिएट की है इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, आप क्रिएट कर सकते हैं नए नए डिजाइन, आप क्रिएट कर सकते हैं नए नए लोगोज, आप क्रिएट कर सकते हैं कोई इन्वेंशन नई नई, तो ये सभी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही आती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर मैं आपसे बताऊंगा तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वन इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड अदर वन इज कॉल्ड कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, अब नाम से भी कुछ आपको आइडिया हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो सम और इंडस्ट्री से रिलेटेड है। क्या है वो प्रॉपर्टी? है जो आप क्रिएट करते हैं बाय अप्लाइंग योर माइंड, और क्यों करते हैं, ताकि उसको किसी इंडस्ट्री में यूज कर सके। तो जो जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी फर्दर क्लेरिफाइड इनटू थ्री सब क्लासेस जिनको आप कह सकते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। नंबर वन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क, आप सभी ने ट्रेडमार्क का नाम सुना है, तो ट्रेडमार्क इज वन ऑफ द काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और क्यों है ये? आप सारे लॉयर्स हैं, आपने सभी ने अपने चैम्बर्स बनाए हैं या आप इस चैम्बर में काम करते हैं,
तो अगर आपने अपने चैम्बर को इंडिविजुअलाइज करना है और उसको डिफरेंट करना है आपका नाम को बाकी चैम्बर से, तो जाहिर है लोगों का आपको सोच के बनाना पड़ेगा, खुद से नहीं बन जाएगा। मैंने एक दफा जो एप्पल का ट्रेड जो लोगो है, एप्पल जो डिवाइस जो है, एप्पल वर्ड है, उसके डिजाइनर का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था। उसने कितने पेजेस की एक मुझे हमें डिस्क्रिप्शन बताई थी कि हमने कैसे इस लोगो को क्रिएट किया था, जिसको हम बड़ा सिंपल तरीके से सेब का लोगो है, सेब का। तो आपको लोगो अपने अपने आप को इंडिविजुअलाइज करने के लिए जो उसको भी अपनी इंटेलेक्चुअल इनपुट आपको देनी पड़ती है, फिर कुछ क्रिएट करते हैं आप। दूसरा कॉपीराइट का, कॉपीराइट भी आपने सुना है, दूसरी कैटेगरी है। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में एक ट्रेडमार्क है, एक इंडस्ट्रियल डिजाइन है, एक पेटेंट है, और कॉपीराइट एक अलग बात। कॉपीराइट का भी नाम आप सभी ने किसी न किसी वाले से सुना होगा। तो ये चार जिनको हम कहते हैं, ये चार मेन क्लासेस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन और कॉपीराइट। और आज चारों के ही चारों का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चार मेन क्लासेस मैंने आपको बताई हैं, इनको ब्रॉड किया जाता है, यानी कि इसमें नई नई क्राइम्स को शामिल किया जाता है और अभी भी किया जा रहा है। तो इसमें इन चार क्राइम्स से मैंने आपसे शेयर किया, इसके अलावा भी चीजें अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में शामिल होती हैं, लेकिन हम उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम उनके लॉज भी पाकिस्तान में इतने नहीं है और दुनिया में तो है जाहिर है, लेकिन पाकिस्तान में भी इस तरीके से नहीं है। तो हम ये चारों के तरीके मैं आपसे शेयर करूंगा, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट। इसे नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा देखिए, आप हम ये सेल फोन यूज करते हैं, ये मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर हम सभी के पास हैं, एयर कंडीशनर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये सब चीजें जो है इनके अंदर जो चार मेन काइंड्स मैंने आपको बताई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, ये सम हाउ या इनमें से कम अज कम तीन हर प्रोडक्ट में जरूर इन्वॉल्व होती है, जरूर वहां उसमें किसी भी प्रोडक्ट में होती है। तो हम मैं आपको आगे इस टाइप का बता दूंगा कि कैसे ये प्रोडक्ट में आप चीजें। अब थोड़ा सा आपको ट्रेडमार्क का बताता हूँ क्योंकि हम फेमिलियर हैं इस टर्म के साथ सारे, और आपको आइडिया भी होगा कि ट्रेडमार्क क्या होता है, बट लेकिन थोड़ा सा उसको लीगल उसकी कॉनोटेशन और लीगल सेंस में आपको बताऊं। तो ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्क होता है जो कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडिविजुअल अपनी गुड्स या सर्विसेज को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करता है उसी जैसी दूसरी सिमिलर सर्विसेज या गुड्स से। फॉर एग्जाम्पल, जो टोयोटा का मार्क है वो टोयोटा वाले अपनी गाड़ियों पे इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी गाड़ियों को डिस्टिंग्विश किया जा सके होंडा की गाड़ियों से या सुजुकी की गाड़ियों से या और दूसरी कंपनी की गाड़ियों से। तो ट्रेडमार्क असल में वो साइन है जो उसमें बेसिक फंक्शन उसका डिस्टिंग्विशिंग फंक्शन होता है, और दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है इंडिकेटर ऑफ ओरिजिन, वो इंडिकेट भी करता है कि ये जो गुड्स हैं ये किस कंपनी की तरफ से आ रहे हैं। तो दो फंक्शन होते हैं ट्रेडमार्क के, और ये कोई भी साइन हो सकता है, जैसे कि हम आपको कुछ एग्जाम्पल सिखाते हैं। वर्ड मार्क्स भी यूज किए जाते हैं, बड़े पॉपुलर है दुनिया में, ये सारी असल में वर्ड मार्क्स की एग्जाम्पल्स है। और सर इसको आप तो स्लाइड शो में कर लेना तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, डिजिट्स हो चाहे वो डिजिट्स हो या चाहे वो सर्च डिजाइन या चाहे वो टैग लाइन हो जैसे जस्ट डू इट है, ये सारे हम इसको वर्ड मार्क की कैटेगरी में करते हैं। वर्ड मार्क यानी कि कंपनीज डिफरेंट वर्ड्स यूज करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को डिस्टिंग्विश करने के लिए। दूसरी आगे सर, दूसरा कंपनी मुख्तलिफ डिवाइसेस भी यूज करती हैं, मुख्तलिफ फिगर्स भी यूज करती हैं अपने अपने आप को डिस्टिंग्विश करने में, अपने आप को ना अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए। और जैसा पिछली बार आप सभी को पता है कि आपकी किस चीज के बारे में ये बात है, इतने पॉपुलर मार्क्स हैं या आप सब जानते हैं कि ये इस डिवाइस से किस प्रोडक्ट और किस कंपनी के प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया जा रहा है। जी नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसके अलावा जो नॉन ट्रेडिशनल मार्क्स हैं उसमें 3D मार्क्स भी होते हैं, जैसे जो टॉबिन ऑन दुनिया की मशहूर डिश चॉकलेट है जी, और इसका जो ट्रायंगुलर डिजाइन है, ये ट्रायंगल का जो डिजाइन है ये ट्रेडमार्क दिया उनका, तो ये इसको हम कहते हैं 3D मार्क्स, मीन 3 डायमेंशनल मार्क्स जिसमें 3 डायमेंशन होती है। ये सारे उसके एग्जाम्पल है,
जो आपके राइट साइड पे टॉप पे है ये कोका कोला की ग्लास बॉटल है। तो कोका कोला की ग्लास बॉटल भी उन्होंने अपने ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर करवाई है और कह दी कि हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है।